बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फैसल अली। 11 और 12 जुलाई 2023 को लिथुएनिया के दारुल हुकूमत विल्नियस में नाटो का एक अहम इजलास जारी है, और 11 जुलाई को जो कार्रवाई हुई उसमें कुछ डिक्लेरेशन जारी किया गया है, जिसमें चीन और रूस को नाटो इत्तेहाद के सबसे बड़े दुश्मनान करार दिया गया है। इस हवाले से चीन का रद्द अमल भी सामने आ चुका है, क्योंकि नाटो के इस सरबराही इजलास में ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड जैसे ममालिक भी मौजूद हैं, जो बराह रास्त चीन के कंसर्न कंट्रीज़ है। यानी जापान एक ऐसा मुल्क जो चाइना के वरी आप कह सकते हैं कि उस रीजन में एक बहुत बड़ा अमेरिका का इत्तेहादी और चीन के लिए एक ख़तरा बन सकता है। इस हवाले से चीन की वजारत खारजा ने जो रिस्पांस दिया है वो बड़ा दिलचस्प है, वो आपके सामने रखेंगे। और तमाम लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, बल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप आने वाली अपडेट से आगा रह सकें, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। सबसे अहम चीज़ जो इस वक्त नाटो ने अलामिया जारी किया है, उसके मुताबिक ये कहा गया है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है उसके सियासी, माशी और फौजी हवालों से जो इकदाम हैं वो आलमी महाज पर बहुत बड़े पैमाने पर ख़तरात पैदा कर रहे हैं, जिसमें जो मिलिट्री बिल्डअप है यानी जो फौज की ताकत बढ़ाने का एक मामला है वो एक खौफनाक इकदाम है। यानी चीन अपनी फौजी ताकत को बढ़ा रहा है, जिससे बहुत बड़े खदशात हैं नाटो ममालिक को, और उसी के साथ माशी और तजारती और सियासी हवालों से भी चीन के जो अजायम हैं बड़े खौफनाक हैं। चाइना जो है वो इस वक्त हाइब्रिड और साइबर ऑपरेशंस जो है वो कर रहा है, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन कर रहा है, और अमरीकी और नाटो इत्तेहादी जो हैं उनके लिए ख़तरा पैदा कर रहा है। नाटो के इस डिक्लेरेशन में ये भी कहा गया है कि चीन और रूस दोनों जो हैं वो इस वक्त अपने दरमियान जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, एक ज़बरदस्त किस्म का ताल्लुक जो है वो गहरा किए हुए हैं, और ये दोनों ममालिक जो हैं वो मुश्तरका तौर पर इस वक्त जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है, जो कि आलमी मयारात कुछ तय कर रखे हैं आलमी ताकतों ने, उनको रोंद रहे हैं। और चाइना जो है वो इस वक्त एक बड़ा ही अहम रोल प्ले कर रहा है यूनाइटेड नेशन के अंदर उन इकदाम को वीटो करने के हवाले से जो कि जो इकदाम आलमी अमन और सुकून और इस्तेकाम के ख़िलाफ़ है। जब उसके ख़िलाफ़ कोई चीज़ हमले आते हैं तो चाइना अपनी वीटो पावर को इस्तेमाल करता है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, बिलखसूस रूस की जंगी जारियत के मामले पर चाइना ने ये किया, ये नाटो ने कहा। और इस स्टेटमेंट के साथ कुछ डिटेल भी है, लेकिन फ़िलहाल इसी पार्ट पर जो चाइना ने रिएक्शन दिया है वो बड़ा अहम है। चाइनीज़ जो मिशन है यूरोपीय यूनियन के अंदर, उसने इन तमाम तर स्टेटमेंट्स को कंडेम्ड किया है, और ये कहा है कि नाटो जो है वो चाइना की जो पोजीशन है उस के हवाले से अपने बड़े ही गलत किस्म के अंदाजे और बड़े ही सख्तगीर एक मौक़िफ़ रखे हुआ है, जो कि चीन दुश्मन पॉलिसी पर मुंतकिब है। वी फर्मली अपोज एंड रिजेक्ट दिस, हम इसको सख्ती से मुस्तरद करते हैं। इस हवाले से जो चीज़ मज़ीद सामने आई है उसमें वो है जी, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म अल्बनीज़, जापान के वज़ीर आज़म सीदा, और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हिपकिंस, और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट योन सोक योल, ये वो तमाम तर लोग हैं जो कि चीन के लिए आप कह सकते हैं कि चीन को तंग करने के लिए समिट के अंदर बुलाए गए हैं, और इनकी मौजूदगी में नाटो ने जो है वो अपनी कुछ डिक्लेरेशन जारी किया। बहरहाल डिटेल डिक्लेरेशन तो अभी आना बाकी है, लेकिन मई के महीने में ये खबर सामने आई थी कि नाटो के अंदर जापान भी शामिल हो सकता है, तो जापान के वज़ीर आज़म ने ये कहा था कि फ़िलहाल उनका कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो ममालिक जिसमें साउथ कोरिया है, जापान है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये इंडो पैसिफिक के उस हिस्से में है जिसको साउथ चाइना सी कहा जाता है, जहाँ अमरीकी नेवी की 7th फ्लीट कंटिन्यूसली पेट्रोलिंग करती है। ताइवान के मामले पर भी अनरेस्ट जब होता है तो ये ममालिक एक्टिव हो जाते हैं, और यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर मिलिट्री प्रेजेंस भी है, डिप्लॉयमेंट भी है यूनाइटेड स्टेट्स की। चाइनीज़ मिशन जो बीजिंग के अंदर है, चाइनीज़ मिशन जो यूरोपीय यूनियन के अंदर है, उसने ये कहा कि हम नाटो के इस जनूब मशरकी एशिया रीजन के जानिब बढ़ने का मुमकिन जो एक प्लानिंग है उसको भी रिजेक्ट करते हैं, और कोई भी ऐसा इकदाम जो कि चीन के जायज़ हुकूक और उसके मफादात के ख़िलाफ़ होगा तो उसका बहुत ही सख्त किस्म का जवाब दिया जाएगा। चीन का जो स्टेट मीडिया है उसने भी बाकायदा तौर पर एक बयान जारी किया है, और ये कहा है
कि नेटो जो है वो जमहूरी ममालिक और खित्ते के ऊपर जो है हमला आवर है। इस वक्त ग्लोबल टाइम्स ने एक एडिटोरियल छापा है इसमें, जिसमें लिखा गया है कि वाशिंगटन्स एक्स स्पेयर्स एंड शॉवल्स, अमेरिका का कुल्हाड़ा जो इस वक्त चल रहा है जनाब, उस पर तनकीद की गई है और ये एक जंग का ज़रिया है, यानी जिस तरह से अमेरिका इस इत्तेहाद को चला रहा है बेसिकली। नेटो मस्ट प्रॉम्प्टली विड्रॉ द ब्लैक हैंड एंड इट्स एक्सटेंडेड टुवर्ड्स द एशिया पैसिफिक रीजन एंड इट शुड नॉट इवन थिंक अबाउट स्क्वीजिंग हाफ ऑफ इट्स बॉडी इन द फ्यूचर। अमेरिका को अपने स्याह हाथ इस जनूब मशरकी एशिया और इंडो पैसिफिक रीजन से नेटो की सूरत में जो वो गुजार है निकालने चाहिए, जो कि इसका मुस्तकबिल सुकेड़ रहा है, मुस्तकबिल सुकड़ रहा है नेटो का। ये अमेरिका के बारे में, नेटो के बारे में ग्लोबल टाइम्स जो चीनी सरकारी मीडिया उसने लिखा, ये भी कहा कि मोस्ट कंट्रीज इन एशिया नॉट ओनली डू नॉट वेलकम नेटो बट आल्सो सी इट्स अ टेरिबल मॉन्स्टर दैट शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। जनूबी एशिया में बहुत से ममालिक हैं जो नेटो को वेलकम नहीं करेंगे, बल्कि वो इसको एक बहुत ही भयानक किस्म का आसिब समझते हैं, मॉन्स्टर समझते हैं, और वो इसे हर सूरत में अवॉइड करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये मंगल के रोज़ नाटो का जो डिक्लेरेशन सामने आया पहले दिन का, उसमें स्ट्रेटेजिक कंसेप्ट पर बात की गई कि आने वाले एक साल के अंदर जो चीज़ें आगे लेकर चलनी हैं अलायंस के अंदर वो कैसे होगा, चाइना के जो अजायम हैं पॉलिसीज़ हैं एशिया पैसिफिक के अंदर उनको कैसे टैकल किया जाएगा। अब मीनवाइल जब ये सब हो रहा है तो कम अज़ कम 30 चाइनीज़ मिल्ट्री एयर क्राफ्ट के जेट्स जो हैं उन्होंने ताइवान के अंदर एक आप जिसको कह सकते हैं कि जो ज़ीरो लाइन होती है उसको क्रॉस किया और एक मैसेज भी दिया है। ताइवान ने ये कहा जी कि तीन चीन के कम से कम 30 फाइटर जेट्स जो हैं उन्होंने हमारी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, तो दैट मे बी पॉसिबल रिटेलिएटरी रिस्पांस फ्रॉम चाइना। कि जब नेटो के समिट के फर्स्ट डे के बाद ये कहा जा रहा है चाइना को कि आप जो हैं वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, और वहाँ जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक को जब नेटो होस्ट करेगा तो चाइना का ये रिस्पांस ऑब्वियसली के नेटो के लिए है। बहरहाल जी अभी दूसरा रोज़ इस वक्त जारी है 12 जुलाई को, और बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की डिक्लेरेशन सामने आएगा नेटो का, वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। लेकिन अभी तक चाइना ने इसको रिजेक्ट किया है, रशिया इसको रिजेक्ट करेगा अभी, और ब्रीफली क्रेमलिन से भी एक स्टेटमेंट आनी है। ये इम्पोर्टेंट है कि नेटो के इस समिट में स्वीडन को मेंबरशिप मिल गई, ये इम्पोर्टेंट है कि इस समिट में यूक्रेन के लिए बहरहाल ग्राउंड्स तैयार कर लिए गए कि नेटो को ज्वाइन किया जाए। तो एक अपेरेंटली लग रहा है कि रशिया के जो एम्बिशंस थे नेटो को अवॉइड करने के, शायद वो उस तरह से फुलफिल नहीं हुए। नेटो क्योंकि एक्सपेंड ही हो रहा है और इस समिट में भी मजीद एक्सपेंड हुआ। बहरहाल फर्दर आपके सामने ज़रूर रखेंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।